मैं हुआ मैं तर ये है भाई साहब, वर्कआउट बॉल या फिर जिम बॉल या फिर एक्सरसाइज बॉल, इसको सारी चीजें बोलते हैं और इसके ऊपर हम लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं। मतलब हम लोग क्या, सभी लोग जो भी वर्कआउट वगैरह करते हैं या जिनको अपना शरीर खोलना होता है बेसिकली, वो लोग इस बॉल का यूज करते हैं। इसके ऊपर आप भले ही बैठ जाओ, इसको कुछ नहीं होता। देखने में लगता है कि यार ये कमजोर सी है, लेकिन गाइस इसके ऊपर किसी भी तरीके से लेट करके स्ट्रेच कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत जो है नहीं आती। और गाइस आज हम लोग पता है क्या करने वाले हैं, ये जो बॉल है इसी का ही एक्सट्रीम टेस्ट करने वाले हैं। इस बॉल के अंदर हवा भरती है, ये तो सबको पता है, लेकिन हम इसके अंदर हवा ही भरने वाले हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हवा भरने वाले हैं कि ये जो बॉल है जब तक ये फट नहीं जाती या फिर जब तक हमारी जो हौसले हैं हमारे वो जवाब नहीं दे पाते, ठीक है, नहीं दे जाते। और देखते हैं कि बॉल का क्या होता है, बॉल किस तरीके से फटेगी। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में एक कंप्रेशर भी है, क्योंकि भाई पंप वगैरह से भरना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इसको फाड़ने के लिए, फाड़ने कोशिश करने के लिए, तो इसीलिए हमारे पास ये 2 हॉर्स पावर का कंप्रेशर है। तो ये मुझे उम्मीद है कि इसको फाड़ देगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। दोस्तों वीडियो शुरू करने के बाद में हमारा प्लान बना कि क्यों ना एक बड़ी बॉल ली जाए। तो ये जो बॉल है ये हमने अभी आपको जो दिखाई उससे भी काफ़ी बड़ी बॉल है, एकदम नई बॉल है, अभी तक इसको कभी भी नहीं फुलाया गया। आप यहां से एक आइडिया ले सकते हो गाइस ये कितनी बड़ी है, और ये जो है ना कॉस्को की है, वैसे भी तो ये काफ़ी मजबूत भी होने वाली है। तो गाइस देखते हैं क्या होता है, जो कंप्रेशर है उसमें से हवा यहाँ निकल रही है और इसको हम लगा रहे हैं इसमें एक छेद होता है, कहाँ गया, हाँ ये रहा गाइस, इस होल के अंदर हम इसको घुसा देंगे और सिंपली जो कंप्रेशर है उसको ऑन कर देंगे। और गाइस अब ये फूलना स्टार्ट हो गई है, ओ हो, एक बार रोक लूँ क्या गाइस, एक बार मैंने हवा इसमें भरना रोक ली है ताकि मैं इसके पास जाके आपको इसका साइज दिखा सकूं। देखो एक बार, देखो भाई मेरे से दूर रहे, ओए ओए टाइट है बिल्कुल। अरे यार हवा निकलने लग गई है, अब ये तो फूटेगी नहीं, इतना तो कंफर्म है अपने को, क्योंकि अभी तक नहीं फूटी तो अब कैसे फूटेगी। फिर से घुसा देता हूँ गाइस, एक बार इसका साइज देखो भाई इतने मोटे होने के लिए नहीं बनी होती, मैंने इसमें फिर से लगा दिया है। अब मैं बिना रोके इसमें हवा भरने की कोशिश करूंगा, यार ये बहुत ज़्यादा हिल रही है। और अब ये जो है ना कम से कम 3 फीट हो गई है टाइप, ओह इसका बंद करो, ओबे यार मैं आपको बता रहा था इसका साइज 3 फीट से ज्यादा हो गया था। और गाइस यार ये कितनी बड़ी हो गई, और लास्ट में जाकर के ये जो है फटी है, इसको तो निकाल लेते हैं। और आप लोग देख सकते हो कि कितना खतरनाक और कितना बड़े तरीके से फटी है, 2 टुकड़े हो गए हैं ऐसे करके। अच्छा गाइस अब ये देखो कितना इजीली फट रही है, देखो अरे यार मतलब मैं सोच रहा था कि जितना साइज होता है उससे थोड़ी सी बड़ी होगी फिर फट जाएगी खींच के, लेकिन जितना साइज इसका होता है उससे लगभग ये 1.5 गुना बड़ी हो गई, इतने लेवल पे आ गई थी लास्ट में ये। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, अगर आपको आया है तो लाइक जरूर से ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोज के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।